केंद्र सरकारने आणलेले नागरिकता संशोधन हा कायदा धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन करणारा ठरत असून या कायद्याचा सरकारने पुनर्विचार करून तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी भाजप वगळता सर्व पक्षाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले. सर्व पक्षाने व मुस्लिम समाजाच्या वतीने सरकारचा व कायद्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला. यावेळी वंचितचे यशपाल भिंगे, काँग्रेसचे नरेंद्र चव्हाण, विद्यार्थी, नागरिक असा 40,000 जनसमुदाय उपस्थित होता. रत्नाकर गायकवाड, केस न्यूज, प्रतिनिधी, नांदेड. उपस्थित सभी हजरात, यहाँ पे सभी मेरे भाई, एक आम हिंदुस्तानी और एक नौजवान जो आज दिल से रो रहा है, उसके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं मंदिर में होते भजनों से, हमें कोई दिक्कत नहीं मंदिर में होते भजनों से, हमें कोई दिक्कत नहीं मस्जिद से उठने वाली आजानों से, हमें दिक्कत है सरहद पे मरने वाले नौजवान से, हमें दिक्कत है खुदकुशी करते किसान से, और हमें दिक्कत है गली गली में मोबाइल पे खेलते बेरोजगार नौजवान से. 5 सालों में हमारे देश की स्थिति ये लोगों ने ये कर दी है. ये जो 370 है, CAA है, ये क्यों है? क्योंकि इस सरकार ने 5 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए ये सब कर रहे हैं. हमें नौकरी चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें महंगाई कम करके चाहिए, मगर ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ये इनके हथकंडे. ज़्यादा वक्त मैं लूँगा नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपसे रूबरू होने वाले हैं. मेरी सिर्फ यही आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर इस देश के किसानों पे भी अत्याचार होता है तो मैं चाहूँगा कि हमारे मुस्लिम भाई भी उसको साथ देंगे. देंगे कि नहीं? अगर हमारे देश में किसी हमारे बहन को छेड़ा जाता है तभी हम लोग ऐसी तरह से इकट्ठा होंगे कि नहीं? तो इसीलिए मैं सिर्फ एक शेर कह के अपना ये भाषण खत्म करूंगा कि खिलाफ है होने दो, खिलाफ है होने दो, अरे धुआं है आसमां थोड़ी है. आज जो साहिब मसनद है, आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे. किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है. लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. इस देश की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.